और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मान लेती उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज जो इशू उस दिन रह गए थे उन पर बात होगी। तीन जो कानून है ये वापसी पे, एमएसपी पे कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे, इन पे आज बातचीत होगी। तो सरकार कह रही है कि एक समिति गठित की जाएगी जिसके द्वारा एमएसपी पर आपको एक आश्वासन दिया जाएगा। उसके साथ ही कानून को भी रद्द करने के लिए जो है सरकार अभी नहीं कह रही है कि हम रद्द करेंगे, और आप कह रहे हैं कि हम रद्द करने की मांग पर ही अड़े हुए हैं। तो जब वो कर देंगे, जब तक बातचीत करते रहेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे। यानी अभी जो है, क्योंकि लगातार दिल्ली में मौसम भी खराब होता जा रहा है, बारिश हुई, आज भी मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि ओलावृष्टि हो सकती है, जिसकी वजह से तो अब आपकी यहाँ पर जो आप टिके हुए, इससे कई लोगों की, किसानों की मौत भी हुई, चाहे वो सोनीपत हो, टीकरी बॉर्डर हो, तो उस पर आपका क्या? उसकी जिम्मेदारी सरकार की है पूर्ण रूप से कि किसान बैठा क्यों यहाँ पे, सवाल ये है कि किसान बैठा हुआ क्यों है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है पूर्ण रूप से। क्या सरकार ने कोई रैन बसेरा यहाँ पे करे? लोग बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर करते, जो बुजुर्ग लोग हैं उसमें रहते हैं, वो व्यवस्थाएं जो सरकार को करनी चाहिए थी वो उन्होंने कोई नहीं करी। अब आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी बातें मान लेगी या फिर आपकी रणनीति, जैसे आप कह रहे हैं कि आगे भी आंदोलन जारी रहेगा? भाई बात मान लेगी चले जाएंगे, नहीं बात मान लेगी यहीं रहेंगे। किसानों की बातें माननी होंगी, आंदोलन तभी खत्म होगा। किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, लेकिन बातचीत के लिए रवाना होने से पहले और किसानों का क्या कहना है इस पर, ये भी आप सुन रहे। आज सातवें दौर की मीटिंग है, कमेटी वाली तो कोई बात नहीं है। सातवें दौर में सात बारी मीटिंग होगी या कमेटी से काम थोड़ा है, कोई कमेटी जाती है ये बात करने? ये तो एक माना है कमेटी वाला। आज इनको ये कानून तीनों के तीनों जो आज जिन्हें पे बात होनी है, प्रपोजल हमारी गई है, यही अब ये रह गया दो मुद्दे, एक एमएसपी वाला तो एक 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 कानून वाला है मुद्दा। इन दोनों पे आज बातचीत है, ये दोनों कानून रिपील करावांगे और एमएसपी ते कानून बनवावांगे। ये हमारा आंदोलन इसी के लिए चल रहा है कि जितनी देर ये कानून रिपील नहीं होते और एमएसपी पे नया कानून नहीं बनता, उतनी देर आंदोलन ऐसे चलेगा और तेज चलेगा। देखो जो उम्मीदें तो हम भी कहते हैं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड देखें, जो पिछली बातें जो आज तक इतने 5-7 साल में की हैं उसमें किसी बात पे भी खरे नहीं उतरे। अब भी हमें उम्मीद है शायद खरा ना उतरे, जबान से तो कोई इसकी जबान को हम फाइनल डिसीजन नहीं मानते। देखो जी साड़ी पिछली 30 तरीक में मीटिंग हुई सी, वो 10% जो मानते हैं प्राप्ति सी साड़ी, पर जो 3 कानून से उन्होंने रिपील का शब्द उन्हें नहीं वह वरत्या, तो सरकार जी रिपील कर तैयार नहीं हैगी, ना जी MSP गरंटी आ वह कानून वापस लैन तैयार आ। तो असी चाहते जो MSP गरंटी आदा कानून बने, तो 3 कानून जोड़े आ रद्द हो, पर सरकार लगता नहीं गा, भावें राजनाथ सिंह बह गया, पर सानू उम्मीद चलो रखनी चाहिए, उम्मीद ना ही चलें, पर लगता नहीं गा भी साडा मसला अज हल हो जूगा। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।